लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो बनाई स्मार्ट क्राउड के बारे में स्मार्ट क्राउड यूएई बेस्ड एक प्लेटफॉर्म और उसी वक्त मैंने जब मैंने वीडियो बनाई थी उसी वक्त मैंने एक इन्वेस्टमेंट भी की थी छोटी सी ढाई हजार दरम की इन्वेस्टमेंट थी तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और आप लोग बहुत ज्यादा मुझसे पूछ रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ है और क्या स्टेटस है तो मैं आज उसको थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ कि उसका स्टेटस क्या है इस वक्त ऑल दो इट्स नॉट मोर दैन इट्स मोर देन वन मंथ नाउ इसके अलावा एक और uh, बात भी करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो न्यूज़ आई है डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट्स पे ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन परसेंट एनुअल

रियल इस्टेट जो यू के अंदर है इनफैक्ट आप वो बाहर भी जा रहे हैं यू से और उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट कार्ड मैंने पूरी डिटेल में इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी आप उसका लिंक मैंने लगा दिया उसको जाके देख सकते हैं जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है लेट से यू के अंदर और उसकी प्राइस है लेट से वन मिलियन दरअ और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और आप मॉर्गेज भी नहीं करना चाहते तो आप मल्टीपल लोगों का एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के थ्रू आप एक अपना शेयर ले लें उस प्रॉपर्टी के अंदर लेट से अगर एक मिलियन की प्रॉपर्टी है और दस लोग मिल जाते हैं दस लोग उसको ख़रीदते हैं और इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो एक लाख धर्म इच पर्सन जो खर्चा आएगा वो उनमें से आपके पास एक शेयर आप एक बन जाएंगे उसके अंदर अब वो जरूरी नहीं कि एक लाख धरम हो स्मार्ट क्राउड में आप पांच सौ से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दे दिया अगर आपको डिटेल में देखना तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं सो so, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं ये स्मार्ट क्राउड की अपनी वेबसाइट के ऊपर जो मैं ट्रैक कर रहा था उसके अंदर से मैंने निकाला है कि मेरी इस वक्त स्मार्ट क्राउड की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां पर मौजूद है इससे आपको एक आइडिया भी होगा कि स्मार्ट क्राउड किस तरह से वर्क करता है और किस किस तरह से आपकी जब वंस आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके उसके क्या क्या माइल्ड होते हैं तो अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊँ तो इसके अंदर सबसे पहले तो फंड्स कलेक्ट होते हैं जाहिर सी बात है एक प्रॉपर्टी होती है लेट से वो एक प्रॉपर्टी एडवर्टाइज हैं, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं उसका स्क्रीनशॉट इस वक्त नहीं लगा सकता है उसके आप, uh, जो लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं वो नजर आ सकती हैं आप उनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को जाकर आप उसकी डिटेल देख सकते हैं लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल एक दूं कि मैंने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था उसके अंदर सबसे पहले तो उसके सारे फंड्स कलेक्ट होते हैं एक प्रॉपर्टी की प्राइस है पांच लाख दरम तो जब तक वो पाँच लाख धर्म एक महीने का टाइम होता है वो एक महीने के अंदर अगर पाँच लाख द्रम कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है मेरी प्रॉपर्टी के अंदर के, केस के अंदर इसी तरह हुआ था वो सारे फंड्स कलेक्ट हो गए थे और नेक्स्ट स्टेप पे गया था लेकिन अगर लेट से किसी प्रॉपर्टी के अंदर वो पाँच लेट से पाँच लाख की प्रॉपर्टी और पाँच लाख धर्म कलेक्ट ना हो सके तो फिर वो फॉरफीट हो जाती है और वो वो प्रॉपर्टी इधर वो दोबारा आती है मार्केट के अंदर या फिर वो चली जाती है तो अगर वो दोबारा आएगी तो दोबारा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो पूरे के पूरे आपके वॉलेट में आ जाएंगे भले आप उसको अपने बैंक अकाउंट में वापस मंगवा लें या फिर उसको दोबारा किसी और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए लगा दें लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेट से अगर आपने एक महीने का टाइम है और पंद्रह तारीख लेट से लेट्स से फर्स्ट ऑफ़ जुलाई को प्रॉपर्टी आती है स्मार्ट कार्ड के प्लेटफॉम के ऊपर इसका टाइम होगा थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई तक का कि ये प्रॉपर्टी उस प्लेटफॉर्म पे रहेगी और उतने टाइम में या जो भी टाइम फ्रेम देते हैं और उतने टाइम फ्रेम में अगर इनको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं जो कि नॉर्मली मिल जाते हैं अगर मिल जाते हैं तो फिर उन इन्वेस्टर्स को साइड में करके और फिर वो प्रॉपर्टी क्लोज कर दी जाती है उसके बाद डी की एन ली जाती है नॉर्मली ये मिल जाती है डी आई एफ के एन और इस दौरान जो मेरा टाइम आपने देख रहे होंगे थर्टीन जून को मेरे मेरी प्रॉपर्टी के अंदर फंड्स कलेक्ट हो गए थे लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आते आते ट्वेंटियथ जुलाई पहुंच गई थी उसका रीज़न जो मुझे बताया गया वो ये कि जो प्रॉपर्टी ओनर था वो आ, वो आउटसाइड कंट्री था वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी और उसकी वजह से थोड़ा सा डिले आया है तकरीबन ट्वेंटी डेज़ का डिले आया है इसके अंदर जो कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में नहीं आता है तो इसलिए अब डी की अप्रूवल आ गई है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बाद डेवलपर की एन मिल जाएगी जो कि नॉर्मल एक तरीका होता है वो भी मिल जाएगी आ, आराम से कोई उसमें रीज़न नहीं है कि ना मिल सके उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन होती है क्योंकि ये कैलकुलेशन जब सारे रिकनसाइल होती हैं चीज़ें तो उसके बाद ये फ़ाइनल कैलकुलेशन होती है थोड़ा बहुत डिफरेंस औरिजिनल कैलकुलेशन से आ सकता है इसके बाद Uh, इसके अंदर मैनेजर चेक बनता है टू इन द नेम ऑफ द द बायर क्योंकि अभी तक उसने uh, उसको मिली नहीं है उसको पैसे नहीं मिले जब वो पैसे मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर इसके जो uh, जो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है वो होगी अच्छा अब क्योंकि ये मल्टीपल लोगों के पास ये प्रॉपर्टी है तो जो टाइटल डीड होगी वो एक बंदे के नाम पे नहीं होगी दो बंदों के नाम पे नहीं होगी तीन बंदों के नाम पे नहीं होगी ये मल्टीपल लोगों के नाम पे होगी पच्चीस लोग भी हो सकते हैं बीस लोग भी हो सकते हैं आई डोंट नो इस केस में क्या है लेकिन जो मैं एग्जांपल दूंगा वो तकरीबन 53 लोग थे जिसके अंदर उन्होंने वो प्रॉपर्टी के अंदर जब मैं जिक्र किया था कि 28 एट परसेंट एनुअल रिटर्न मिला था उसके पे इसके ऊपर बाद में बात करते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं तो वो टाइटल डीट के ऊपर नाम नहीं आते वो एस उसका क्रिएट करते हैं स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जो इन्वेस्टमेंट के लिए होती है और वो रजिस्टर अगेन होगी लैंड दुबई लैंड डिपार्टमेंट में और उसकी जो जो इन्फॉर्मेशन है वो जो डी एस की इन्फॉर्मेशन है वो और आपका नाम जो है वो डी के ऑफिशियल रजिस्टर के अंदर भी आएगा ये चीज़ मुझे ख़ुद भी देखनी है कि वो किस तरह से अपीयर होता है लेकिन जो मैंने अभी तक इन्फॉमेशन पढ़ी है वो उसके अंदर आप ऑनलाइन देख सकते हैं उसको जाकर तो दुबई लैंड डिपार्टमेंट एंड देन द the एस तो इसके अंदर पूरा जो प्रोसेस है एंड देन द दाँ अच्छा द वे ये जो प्रॉपर्टी मैंने ली थी ये ऑलरेडी रेंटेड है तो इसका मुझे ऑलरेडी जब ये जैसी ये सारा प्रोसेस होगा तो पहला डिविडेंड मुझे मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली मतलब मुझे इसका वेट नहीं करना पड़ेगा कि इसके बाद कोई प्रोसेस होगा और उसके अंदर कोई इसको रेंट पे चढ़ाया जाएगा रेंट पे ये ऑलरेडी चढ़ी हुई है इसी तरह और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास जो कि रेंट रेंटेड नहीं होती हैं और ये रेनोवेट करके उसको रेंट पर देते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन uh, मिलते हैं आपको हर प्रॉपर्टी की डिटेल इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी अच्छा इसके बाद जब ये uh, uh, जब हाँ इसके अंदर जब जाहिर सी बात है एक टेनेंट मौजूद है ऑलरेडी तो उसके जो चेक्स हैं वो डिफरेंट नाम पे अब कन्वर्ट होंगे और इसके जो 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 नई कंपनी है जो एस पी है उसके नाम पे चेक्स आएंगे तो ये सारे प्रोसेस के अंदर जो टोटल टाइम इस पर नजर आ रहा है वो फिफ्थ अगस्त तक का टाइम है और जो फर्स्ट डिविडेंड मिलने का टाइम है वो ट्वेल्थ अगस्त है तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो बीस सॉरी थर्टीन जून को इन्वेस्टमेंट की थी और जो पहला डिविडेंड मिलेगा वो बारह अगस्त को मिलेगा इसके अंदर एज आई सेट ट्वेंटी डेज़ का डिले आया है जस्ट बिकॉज वो जो जो ओनर था वो जा चुका यू यूएई के अंदर नहीं था इसकी वजह से थोड़ा सा डिले आया है लेकिन अदरवाइज एक से डेढ़ महीने का टाइम लग जाता है ओवरऑल सारे प्रोसेस के अंदर अच्छा अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से 27 परसेंट का इसने एनुलाइज रिटर्न दिया तो अगर आप देखें 39.25 परसेंट का इसने रेंटल uh, रिटर्न दिया है जिसमें कैपिटल गेन्स भी शामिल है 17 मंथ्स पीरियड के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर जो कि उन्होंने मरीना बेस सेंट्रल के अंदर प्रॉपर्टी ली थी और उस प्रॉपर्टी को विद इन विद इन आई थिंक Uh, 17 मंथ्स उसको उसको सेल आउट किया फिफ्टी थ्री इन्वेस्टर्स थे उसके अंदर उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो पाँच लाख तीस हज़ार गर्म थी और जो बिकी है प्रॉपर्टी वो सेवन एटी थाउजेंड के अंदर बिकी है उसका जो रेंटल uh, रिटर्न था वो भी कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर एरिया जो कि दुबई मरीना की मार्केट का रेंटल रिटर्न एवरेज रेंटल रिटर्न सिक्स पॉइंट टू परसेंट है और इनका जो एवरेज रेंटल रिटर्न था इस प्रॉपर्टी का रेंटल रिटर्न था वो टेन परसेंट था अब वो क्यों इतना ज़्यादा था उसका रीज़न ये है कि इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हॉलीडे होम होती हैं और जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म टेनेंट्स होते हैं वो कम रेंटल पे कर रहे होते हैं और जो हॉलीडे होम टाइप की जो रेंटल्स होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छे आपको रिटर्न मिलते हैं तो ये मैनेजमेंट इनकी अपनी होती है कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ इनकी हॉलीडे होम होती हैं जिनके रेंटल रिटर्न ज़्यादा बेहतर होते हैं इस सारी न्यूज़ के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये इतना रोज़ी पिक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ ये इतनी रोज़ी पिक्चर ज़रूरी नहीं कि हो सके आपने कोविड के दरमियान आपको पता है कि प्रॉपर्टी का हाल क्या हो गया था यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का यूएई के अंदर क्या हाल हुआ था आ, होटल इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ था आ, लोग चले गए थे यू से आ, तो ये कभी भी किसी भी पॉइंट पर ये एक एक साइकिल होती है जो कि आ सकती है लट से कोविड आ गया था लेट से 2008 का क्राइसिस क्राइसिस आ गए थे इसी तरह बहुत सारे और आ, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको अपनी रिस्क पे करनी पड़ेगी रिस्क हर जगह होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पर भी इसी तरह से इसी तरह का रिस्क है अगर आप अपनी प्रॉपर्टी भी लेंगे वो भी नीचे भी जा सकती है वो खाली भी रह सकती है उसमें ज़रूरी नहीं कि टेलेंट्स रहें तो आपको हर तरह के जो जो रिस्क हैं अपने जहन में रखने पड़ेंगे जब आप इनको साइनअप करते हैं तो वो भी रिस्क उसके अंदर मैंशन करते हैं मैं नॉर्मल